Hello everyone, today we are going to study chapter number 12, equation in one variable, practice set number 12.2 we are going to complete in today's video. The other question is already been completed. The link of that video will be provided in the description box. So in today's video, we are going to study question number 4, 5 and 6. So let's start with the fourth question. Find three consecutive whole numbers whose sum is more than 45 but less than 54. ओके सो मतलब यहाँ पे थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है तो थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं वी ऑल नो एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू दीज आर द थ्री कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर्स ऑल राइट तो ये तो हमें मिल गया फिर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव होल नंबर इज वन ऑल राइट तो ये जो था दिस इज द कंक्लूजन दैट दे हैव गिवन ऑल राइट सो हमें इसके ऊपर से इक्वेशन फॉर्म करना है दैट इज एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू ओके एंड ये क्या हो गया हुज सम इज मोर देन 45 ओके मोर देन मतलब ये छोटा हो गया एंड 45 यहां पे गॉट इट सो क्वेश्चन में से ही हमें ये इक्वेशन फॉर्म करना है दिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशन यू ऑल कैन से दैट वी हैव टू सॉल्व यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन गॉट इट अब यहां से हमें जो लाइक टर्म्स है उसको फर्स्ट प्लस कर लेते दैट इज वन प्लस टू प्लस थ्री सो देयर फोर थ्री एक्स वन प्लस टू इज गोइंग टू बी थ्री ये साइन जैसा था वैसे Because it has already been given, whose sum is more than. ठीक है? That is why we are taking the greater and small, greater sign to show the which side is greater. All right. तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 3x एक साइड पर रखेंगे, 45 minus 3, and this sign we have to still keep it as it is. All right. अब हमने क्या कर लिया ये प्लस थ्री जो था वी हैव मूव्ड इट टू द नेक्स्ट साइड ऑफ दिस साइन ठीक है सो थ्री एक्स माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 42 ऑल राइट अब देयरफॉर एक्स इज अगेन ग्रेटर देन 42 थ्री यहां पे आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था तो डिविजन हो जाएगा सो थ्री वन जा थ्री वन जा थ्री थ्री फोर आर ट्वेल्व देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 15 नाउ यू विल से फ्रॉम वेयर डिड वी गेट 15 ओके सो ये 15 कहां से आया बिकॉज वी हैव टू एड वन टू द गिवन This x we have to add 1. Alright. So, x ho gaya 15. Next consecutive number tha x plus 1 which is supposed to be 15 plus 1. To ye ho gaya 16. And next tha x plus 2 third consecutive number. To usko humne x matlab 15 plus 2 to ye ho gaya 17. So, what are your three consecutive numbers children? Therefore, conclusion लिखना है three consecutive whole numbers are 15, 16 and 17. It is very easy to solve children. Next, we'll move on to the fifth question. Same way you all have to solve. जैसे हम लोगों ने फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन किए हैं वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ वी हैव टू टेक व्हाट इज एक्स ओके सो यहाँ पे दिया हुआ है इन अ टू डिजिट नंबर द डिजिट एट द टेंथ प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट इट्स यूनिट प्लेस सो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग मतलब एक दूसरे को इंटरचेंज किया The digit is added to the original number. The sum is 66. So, ये हो गया हमारा second condition. Find the original number. तो हमारे पास तो numbers है नहीं सिर्फ two digit number बोल दिया है. That's it. तो हमने क्या करना है two digit numbers बोला है. So, one is going to be unit, one is going to be tens. बराबर
टू डिजिट मतलब सपोज आई एम टेकिंग 11, तो ये हो गया यूनिट, ये हो गया टेंस. तो जो यूनिट है उसे हम एक्स सपोज करेंगे. लेट द डिजिट एट द यूनिट प्लेस बी एक्स, द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट इट्स यूनिट्स प्लेस, है ना. दिस इज वॉट इज बीन गिवन, द डिजिट एट द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट एट इट्स यूनिट प्लेस. तो यही हमने वापस वो सेंटेंस लिख लिया. देयरफॉर मतलब टेंस की जगह पे क्या आएगा 2x, यूनिट की जगह पे क्या आएगा x. सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से हमें फर्स्ट ऑप्शंस मिल गए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंडीशन. ये वाला कंडीशन यू ऑल कैन रेफर द टेक्स्ट बुक फॉर दिस. अब यहाँ पे सो फ्रॉम द गिवन फर्स्ट कंडीशन द नंबर इज 10 इंटू 2x प्लस एक्स. 10 क्यों? बिकॉज इट्स इन द टेंस प्लेस. तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी 20x प्लस एक्स इज इक्वल टू 21x. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन. ओके, नाउ आफ्टर इंटरचेंजिंग देर इज अ क्लू दैट इज बीन गिवन. आफ्टर इंटरचेंजिंग नंबर, इंटरचेंजिंग नंबर ओके और द डिजिट्स, वॉट यू आर गोइंग टू गेट? एक्स एट टेंस प्लेस, राइट. हमने ये फर्स्ट कंडीशन में यूनिट के प्लेस पे लिया था एंड 2x वाज एट द टेंस प्लेस. नाउ इट इज गोइंग टू बी एट द यूनिट्स प्लेस. सिर्फ उसकी जगह चेंज करनी है, उसको जो सपोज किया है वो वही रहेगा, सिर्फ उनकी प्लेसेस चेंज होने वाली है. सो देयरफॉर द न्यू नंबर, द न्यू नंबर इज गोइंग टू बी 10x प्लस 2x इज इक्वल टू 12x. ओके, सो ये हो गया हमारा सेकेंड. ओके, सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी आर गोइंग टू गेट 21x प्लस 12x इज इक्वल टू 66. ऑल राइट, सो डोंट वरी फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट दिस. इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, आई शो यू. सो हमने 21 लिया यहाँ से, ओके, 12x लिया यहाँ से एंड 66 इज ऑलरेडी बीन गिवन इन द क्वेश्चन. सो दिस वी गॉट फ्रॉम 1 एंड 2, गॉट इट? दिस फ्रॉम हियर, दिस फ्रॉम हियर एंड 66 फ्रॉम द क्वेश्चन. तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया. देयरफॉर इसको प्लस कर लो, दिस इज गोइंग टू बी 33x इज इक्वल टू 66. ओके, सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 66 अपॉन 33. 11 थ्रीज आर 11, 6 जा 6, 1 जा 6, 2 जा. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2. अभी हमें x मिल गया एंड वी हैव टू फाइंड द ओरिजिनल नंबर. सो देयरफॉर x तो मिल गया, मतलब यूनिट का प्लेस हमें मिल गया. अभी हमें चाहिए टेंस का प्लेस. सो इट इज गोइंग टू बी 21 इंटू 2, राइट. सो 21 इंटू 2 इज गोइंग टू बी 42. सो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर, therefore the original number is 42. so you will see unit के जगह पे 2 है और x को हमने unit ही suppose किया था, है ना. first condition में x we have taken as unit, got it, and हमें tens की जगह चाहिए थी. tens की जगह हमें अब मिल गई है, that is the number 4. so unit and tens are the two digit numbers. Got it? This is the original number. Now let's move on to the sixth sum. So this question is little difficult to understand. So pay attention to the question. Sum tickets of rupees 200 and sum of rupees 100. Okay, मतलब कुछ tickets थी जो 200 की थी, जो some tickets were of 100. Of a drama were sold at a theater. The number of the tickets of 200 sold was 20 more than the number of the tickets of rupees 100. मतलब 200 के जो tickets थे वो ज़्यादा sold हुए, कितने? 20 ज़्यादा sold हुए than जो 100 rupees के ticket थे उससे. The total number received by the theatre by sale of the ticket was 37,000. Find the number of 100 tickets sold. ओके, रुपीज़ 100 टिकट सोल्ड, मतलब 100 रुपीज़ के कितने टिकट सोल्ड हुए वो हमें फाइंड करना है. वो हमें कैसे मिलेगा? व्हेन वी आर गोइंग टू सपोज एक्स
100 as x, 200 we are going to suppose it in this way, x plus 20. तो 20 कहाँ से आया? Because वो ज़्यादा sold हुए थे ना 20, इसीलिए plus 20 लिया. Got it children? It is very easy to understand from the question itself. You all have to form the equation. So let the number of rupees 100 tickets sold be x. मतलब जो find करना है उसने तो हमें x लेना है. This I have been telling you from the first question. फर्स्ट क्वेश्चन से हमने वही किया है, जो हमें फाइंड करना है उसे हमने एक्स सपोज किया है. ओके और उसके साथ हमें जो क्लू दिया हुआ है दैट इज द नंबर एक्स प्लस 20. द नंबर ऑफ टिकट रुपीज 200 सोल्ड वॉज 20 मोर देन द नंबर ऑफ द टिकट ऑफ रुपीज 100 सोल्ड. देयरफॉर द नंबर ऑफ रुपीज 200 टिकट सोल्ड इज इतना. तो हमें ये दोनों इक्वेशंस जो है इसको यूज करना है. All right, अब next is going to be the amount received by the sale. कितने पैसे मिले? That is 100x plus 200 के कितने थे? X plus 20. All right, and the amount कितना था? 37,000. समझ में आया चिल्ड्रन? x हमने 100 के लिए लिया था इसलिए वो 100x किया. 200 के टिकट्स थे और उसके लिए हमने x प्लस 20 सपोज किया है तो उसको हमने ले लिया. और टोटल इन दोनों से सेल करने पे जितनी भी अमाउंट वो थिएटर वाले को मिली थी दैट वाज 37,000. वो हमने रख लिया एंड वी गॉट आर इक्वेशन. इट इज वेरी इजी. सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है समझने में, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट यू विल बी इजिली गेटिंग द इक्वेशन. ओके सो देयरफॉर एक्स प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 370. तो अब मैंने यहाँ पे कौन सा स्टेप किया? डिवाइडिंग और डिवाइड बोथ द साइड बाय 100. तो मैंने 100 से डिवाइड किया तो x बच गया, यहाँ पे 100 से डिवाइड किया तो 2 बच गया, इसको भी 100 से डिवाइड किया तो ओनली 370 रुपीस बच गया 37,000 में से. ओके सो मैंने उसको इक्वेशन को छोटा कर लिया. देयरफॉर x प्लस 2 इंटू 240 इज इक्वल टू 370. ऑल राइट अब ये इजी हो गया. x प्लस 2x 3x इज इक्वल टू 370 प्लस 40 तो हो जाएगा माइनस 40 बिकॉज वी हैव मूव प्लस 40 टू द राइट हैंड साइड. सो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 330. देयरफॉर x इज इक्वल टू 330 अपॉन 3. 3 1 3 3 1 3 1 0. देयरफॉर अभी हमें x मिल गया दैट इज 110. और x हमने क्या सपोज किया था? 100 टिकट्स के नंबर्स के लिए. और हमें क्या चाहिए? फाइंड द नंबर ऑफ 100 टिकट्स सोल्ड, रुपीज 100 टिकट सोल्ड. तो कितने टिकट सोल्ड हुए थे? द नंबर ऑफ रुपीज 100 टिकट सोल्ड वर 110. मतलब 100 रुपीज के कितने टिकट सेल हुए थे? 110. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 दिस आई विल बी सॉल्विंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन. इफ देर इज एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज स्टिल वी हैव टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चन सो आई कैन टेक योर क्वेश्चन ओवर देयर इटसेल्फ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय.